मिल जाते हैं, लेकिन 2022 में एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुका है। इस स्क्रीन रिकॉर्डर में एक भी ऐड आने वाला नहीं है, और जो भी अच्छा है आप स्मार्टफोन से स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो, चाहे आप अपने लैपटॉप से चाहे कंप्यूटर से स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो, HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डर होने वाला है। हेलो गाइस, अगर आप भी स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हो तो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वैसे तो प्ले स्टोर में जाकर अगर आप सर्च करते हो कि स्क्रीन रिकॉर्डर, तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाते हैं, लेकिन 2022 में एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुका है। इस स्क्रीन रिकॉर्डर में एक भी ऐड आने वाला नहीं है, और जो भी अच्छा है आप स्मार्टफोन से स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो, या आप अपने लैपटॉप से चाहे कंप्यूटर से स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो, HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डर होने वाला है। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर का प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि 2022 में बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, और इस स्क्रीन रिकॉर्डर में एडवांस फीचर कौन कौन सा ऐड किया गया है, और कौन कौन सा एडवांस फीचर इस स्क्रीन रिकॉर्डर में दिया गया है। आपका स्मार्टफोन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डर होने वाला है। वैसे तो आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो स्क्रीन रिकॉर्डर, तो देख सकते हो यहाँ पे कितना सारे स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाते हैं, लेकिन हर स्क्रीन रिकॉर्डर हर स्मार्टफोन में सही तरीके से वर्क नहीं करता है, सही तरीके से काम नहीं करते हैं। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर में ये होता है कि आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डर करने के बाद आपका वीडियो का क्वालिटी डाउन हो जाता है। वहाँ पे जो भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, उसका क्वालिटी डाउन हो जाता है, कभी कभी सही से दिखता भी नहीं है। किसी किसी में बहुत ही कम फीचर रहते हैं, एडवांस कुछ भी फीचर नहीं रहते हैं। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में, अगर इस स्क्रीन रिकॉर्डर को आप इस्तेमाल करते हो तो 100% बोलोगे कि भाई इससे पहले हम ये वाले स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल नहीं किए थे, और इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको ऐड भी नहीं आएगा, प्रचार भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस स्क्रीन रिकॉर्डर को आप ऑन करते हो यहाँ से, तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाते हैं। लेकिन जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डर, इस स्क्रीन रिकॉर्डर के यहाँ से आपको ओके करना है। अगर इसका रेटिंग का बात किया जाए तो देख सकते हो 4.8 स्टार इसका रेटिंग मिला हुआ है। अगर इसका डाउनलोडर का बात किया जाए तो 100 मिलियन इसका डाउनलोडर है। देख सकते हो किस क्वालिटी में इसमें आप गेम को स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो, कोई भी किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट देख सकते हो यहाँ पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक हर चीज़ का यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो, वो भी HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे हम इसको डाउनलोड पे लगा चुके, देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड पे लगाने के बाद, तो देख सकते हो हमारा ये वाले स्क्रीन रिकॉर्डर कितना फास्ट में डाउनलोड हो चुका है। तो फिर से ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो फाइनली ये वाले स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो आगे का फीचर इसमें दिखाते हैं, हम कौन कौन सा इसमें सेटिंग करना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्डर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो जैसे कंप्लीट हो जाते, कुछ सर्चिंग प्रोसेस होता है, 4-5 सेकेंड का 10 सेकेंड का सर्चिंग प्रोसेस होता है। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हम इस स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। तो जैसे इसको ओपन करते हो आप नीचे से, यहाँ पे देखिए ओपन का सिस्टम आ चुका है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने। तो यहाँ पे सिंपली से आपको करना क्या है, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपके इसमें ज़्यादा कुछ भी सेटिंग नहीं रहता है, एलो कर देना है सिर्फ। एलो करने के बाद देखिए आपका स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर तैयार हो चुका है, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन रिकॉर्डर तैयार हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है नीचे की तरफ, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए ऑडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ऑडियो रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ऑडियो रिकॉर्ड को एलो पे कर देना है। अगर आप माइक लगा के करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डर तो ठीक है, अगर वैसे करना चाहते हो तो इस पर कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देखो किस क्वालिटी में आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, या किस क्वालिटी में आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, उस क्वालिटी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 1080 वाले में हम करना चाहते हो, तो 1080 पे हम इसको सेट कर देते हैं। सबसे पहले देख सकते हो, तो 1080 पे हम इसको सेलेक्ट कर दिए। तो 1080 पे सेलेक्ट करने के बाद एक छोटी सी इसमें, तो देख सकते हो आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे वीडियो पे, तो ऑडियो पे ऑटोमेटिक ये सेट रहता है। उसके बाद बैटरी का परसेंटेज दिखाता है। उसके बाद देख सकते हो कैमरा वाले ऑप्शन भी यहाँ पे आता है।
यहाँ पे बहुत सारा एडवांस फीचर, बहुत सारा एडवांस चीज़ें इस स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको देखने को मिल जाता है। अब आपका स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने के लिए एडवांस में तैयार हो चुका है। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपली सी आपके स्मार्टफोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डर रहते हैं उसको यहाँ से ढूंढ लेना, ये वाले स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसको स्क्रीन रिकॉर्डर करने के लिए अभी सिंपली से करना क्या है, नीचे की तरफ जो एरो है इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस पर हम क्लिक कर दिए तो ऑटोमेटिक से देखिए तो हमारा पहले से एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो सिंपली